और आज के व्लॉग में हम लोग जाने लगे हैं बारबेक्यू पार्टी पे। यहाँ पे जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं उनके लिए इन्होंने यहाँ पे बारबेक्यू अरेंज किया है, तो मैं जा रही हूँ, साथ ही मैंने माजिबिन लोगों को भी बोला है, तो वो और उसके हस्बैंड भी जाएंगे। इस वक्त मैं आई हुई हूँ माजिबिन के घर में। मैं आप लोगों को माजिबिन नहीं दिखा रही क्योंकि अभी तक तैयार नहीं हुई है और मुझे लगी हुई थी भूख, तो मैं रास्ते में आते आते एक मैंने मैंगो पकड़े, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा मैंगो है। मैं एक मैंगो लेकर आई हूँ और इसका आप साइज देखे कितना बड़ा सारा मैंगो है ये, तो अब इसका पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, लेकिन ये चाइनीज मैंगो है और केले लेकर आई हूँ, तो इसको ज़रा काट के खाते हैं। मैंगो का ऐसा सीन हुआ है कि वो कच्चा निकल आया है, उसमें से खट्टी खट्टी सी स्मेल आ रही है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि उसको बाहर रख देती हूँ, कुछ दिनों में अगर वो पक के मीठा हो जाए, क्योंकि अभी तो डेफिनेटली बहुत खट्टा होगा। और अब हम खाने लगे हैं इंडिया की निम्को। और कितनी डिफरेंट है मजमीन, ऐसा लग रहा है इसमें चिप्स डले हुए। चिप्स हैं, लिटो मीठी है, थोड़ी मीठी है। तक MTR पे है, इतना ज़्यादा रश और हम जा रहे हैं टिक्के खाने। गाइस बहुत ज़्यादा रश है। हम लोग फाइनली जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे जहाँ पे बारबेक्यू है। इस टाइम पे शाम हो रही है तकरीबन 7 बजे और हमें फटाफट वहाँ पे पहुँचना है क्योंकि उसकी टाइमिंग है 6 to 9 PM और वी आर ऑलरेडी लेट एज यूजुअल। तो ये रहे हम सब, ये सब अभी यहाँ से हम लोग ने ढूंढना है बस का रास्ता, और ये दोनों हमारे नेविगेटर्स हैं, माजबीन और मैं इनके पीछे पीछे चल रहे हैं बस। यार चलते चलते इतनी प्यारी बिल्डिंग आ गई है, इतनी खूबसूरत लग रही है इतनी बड़ी बिल्डिंग। और अभी शाम का वक्त हो चुका है, माजबीन तस्वीरें बनाती रह जाओगी, जल्दी चलो यार मुझे लेके जाओ। ये आ गया है निसान कार स्टूडियो और यहाँ पे चकाचक चमकी हुई गाड़ियाँ नजर आ रही हैं। जिस जगह पे बारबेक्यू है हम उस पार्क में पहुंच चुके हैं और गुड न्यूज़ हमें अभी भी मिली है, वो ये कि बारबेक्यू अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन हमें ये चल चल के जाना है और सारा जो रास्ता ना इस तरह वो पूरा स्टीप है। तो गाइस ये बारबेक्यू कम और हाइकिंग पार्टी ज़्यादा हो गई है, हम लोग हाइक करके इतना ऊपर आ गए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टीप था। लेकिन यहाँ से जो सिटी का व्यू है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, अभी आप लोग देखना बैक कैमरे से। तो ये है हांगकांग सिटी का व्यू, यहाँ से बिल्डिंग्स देखें इतना खूबसूरत लग रही हैं इस टाइम पे। वो देखें ऊपर चांद और एक वहाँ सितारा है और बाकी पूरा क्लियर स्काई है और इस तरह से पूरी बिल्डिंग्स हैं, लुक्स अमेजिंग। ये है वो अजीम जगह जिसमें आने के लिए हम लोग ने अपनी टांगों को तोड़ा है और अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं फाइनली। तो ये जो सामने बिल्डिंग है यहाँ पर हमने जाना है और इतने बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पाम ट्रीज हैं। मेरी बस हो चुकी है चलते चलते, लिटरली सारे मुझसे आगे चल रहे हैं, मैं तब पीछे चल रही हूँ। तो अब हम पहुँच चुके हैं बारबेक्यू पिट्स पे और इस तरह से यहाँ पूरी लाइन में ढेर सारी पिट्स बनी हुई हैं। इधर अभी इन्होंने कोयले जलाए नहीं है, थोड़ी देर है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं तो और बारबेक्यू स्टार्ट है, ये देखें सब लोग इन्जॉय करें। हमारी पसीने से बुरी हालत हो रही है, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है। हमें बारबेक्यू प्लेस असाइन की जा रही है, हर किसी को इन्होंने कोई ना कोई स्पॉट दिया है, तो हमें इन्होंने ये वाला स्पॉट दिया, यहाँ पे कोयले जला के देंगे, साथ में हमें कच्चा गोश्त और चीज़ें देंगे और वो हमने यहाँ पे खुद बारबेक्यू करना होगा। वही इधर तो और हीट आ रही है गर्मी। वी हैव द स्कीवर्स एंड एवरीथिंग। यार ब्रेड किस काम की, पता नहीं, चलो ग्लास पहन के पास इन्होंने हमें मीट प्रोवाइड किया है। इसके अंदर हमारे पास विंग्स हैं और ये सिंपल जो मीट है वो मैरिनेट हुआ है, और ये हमारे पास फिश बॉल्स हैं, साथ में हमारे पास दिखें ये सॉसेजेस हैं ये वाले। यार अच्छा अरेंजमेंट है, यू कैन सी लाइक इन्होंने हमें ये पोल्स भी दिए इसमें खाने के लिए, और साथ में इन्होंने हमें ये दिया है, दिस इज कॉल्ड एस बारबेक्यू हनी विद सिरप, और ब्रेड है जिसने मतलब रोटी की जगह ब्रेड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। अच्छा खासा रश लगा हुआ है, यहाँ पे भी लोग बना रहे हैं, इधर भी सारे लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पे सारी औरतें खड़ी हुई हैं, हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। हमने ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया है, ये देखें हमारे पास सारी चीज़ें,
अच्छा यहाँ पे और सामान भी है, देखे ना यहाँ पे कॉर्नस रखे हुए हैं, ये और मीट है, उसके अलावा ये टिन्स हैं, चिक पीस हैं, ये सारे वेजिटेबल्स के टिन हैं, और साथ में हमारे पास सॉसेस हैं, बारबेक्यू सॉस, केचप, आलू, और साथ में ये देखें फॉइल दी हुई है, उसके अलावा ये सारी ड्रेसिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें यार, अच्छी खासी सॉसेस हैं यहाँ पे, तो हमारे पास फिट वाला सामान है इधर, और यहाँ से आप कुछ भी लेके जा सकते हैं, पीछे बारबेक्यू कर सकते हैं। थाउजेंड आइलैंड अच्छा नहीं होता, ये बारबेक्यू वाला नहीं वाला, मुझे ये पसंद। अच्छा तुम उठा लो, मैं ये ले रही हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स ला के सजा दी, क्योंकि हमारे पास पूरी ड्रिंक्स ख़त्म हो चुकी थी, और ये आप देख रहे हैं सब कुछ हमने फिनिश कर दिया है, ऑलमोस्ट बस थोड़ा थोड़ा सा रह गया। ये इस वक्त सिचुएशन है, यहाँ पे ये लोग लगे हुए हैं, और हमारा ये अभी आखिरी बन रहे हैं विंग्स। अच्छा ये जो विंग्स है ना, इसके साथ ये हनी लगा के खाने में इतना मज़ा आ रहा था, किधर गया हनी, ये देखें हनी तो लग रहा है लोग पी गए हैं, इतना थोड़ा सा रह गया, और इस वक्त मेरे मुँह पर इतना पसीना आया हुआ है ना लिटरली। कॉर्नस अभी हमने बनाए थे कॉर्नस, और ये चुपने लगे हैं। दूसरी फाइनली गाइस वी आर डन विद द बारबेक्यू, और अभी हम लोग घर जाने लगे हैं, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, लेट्स गो, क्योंकि मुझे बहुत सख्त किस्म की गर्मी लग रही है। तो पीपल आर स्टिल ईटिंग, लेकिन अभी काफ़ी देर हो गई है, तो अभी हम लोग बस निकले हैं यहाँ से। ये हमने पूरा कचरा इकट्ठा किया है यहाँ पे, देखें गार्बेज बैग पूरा भरा हुआ है। अभी बस हम लोग घर जा रहे हैं, और हमारी बस भी आ गई है 780। लेट्स गेट इन टू द बस। बहुत ही फिट मज़ा आया हम लोगों को बारबेक्यू करने में, और आई होप आप लोगों को वीडियो देख के मज़ा आया हो। इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।